हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस रवि में। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं पर्सनली 8.2 पढ़ाने वाले हैं। लेकिन एक बात और आप सभी को बता देते हैं, इसमें आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे और उदाहरण भी आपको समझाते जाएंगे, उदाहरणों भी आप सभी को बताएंगे। लेकिन मेरे वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तभी जाकर आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि बीच में रोक देंगे वीडियो और बंद कर देंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल में अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटे को दबा दें, जिससे अगले वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन उसको आसानी से मिल जाए। तो लेट किए बिना आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को सूत्र रटवा देते हैं, जिससे ए जोन सूत्र है इसी से 8.2 खत्म होगा। आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर सूत्र देते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को सूत्र देते रहेंगे, जिससे आप हर चैप्टर में सूत्र से आप आसानी से बना लेंगे। और तो देखते हैं कैसे इसको याद करना है। सवाल बनाने से पहले इसको हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे कि दे दिया कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन ए, ये जो थीटा भी रहता है, साइन थीटा कॉस रहेगा, आपका मान पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0। साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0। और साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा, साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2, 1/2। और साइन अब आपको बता रहे हैं, आप तीन चीज़ याद करेंगे और तीन अपने से याद हो जाएगा। तीन ये याद करेंगे और तीन अपने से याद हो जाएगा, कैसे तो देखिए। जैसे कि देखिए दे दिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। और आपको और क्या करना है, अब पूछेगा मान अपने से लिख रहे हैं कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री तो ई आ जाएगा। आपको देखिए कैसे याद करना है, जैसे ई दे दिया साइन 0 डिग्री के मान 1, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 3/2, 90 के 1। तो अब कॉस है ना, तो कॉस को बस सीधा से इधर से इधर आप पलट देंगे, 1 उल्टा लिख देंगे, साइन जाएगा सीधा, फिर इसको आप उल्टा कर देंगे, यहाँ के 90 डिग्री का मान आ जाएगा 0 में, तो हो जाएगा 1। और फिर 60 डिग्री में क्या दिया, 3/2, तो आ जाएगा 3/2। ई तो किधर इधर उधर जाएगा नहीं, ई तो सोजा पर आया तो सोजा पर लिखा जाएगा 1/√2। और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान हो जाएगा। वैसे ही देखिए, जैसे कि दे दिया आपको टेन दे दिया, इसको आपको ऐसे याद करना है, टेन जीरो डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, और टेन पैंतालीस के वन, और टेन साठ के √3, और टेन 90 का मान अनडिफाइंड अपरभाषी होगा। अब देखिए कैसे, अब कॉट दे दिया यहाँ पर, तो इसको आप कैसे याद करना है, कॉट दे दिया तो यहाँ से इधर से अब लिखा जाएंगे। देखिए जैसे अनडिफाइंड है, अपरभाषित है एजा, उसको 0 डिग्री के मान हो जाएगा, और फिर टेन 60 डिग्री के मान क्या दिया, √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और 45 का मान टी तो सेम है तो सेम लिखा जाएगा, 1 है ना, इसको इधर ले आएंगे ना उधर जाएंगे, इस दोनों के बीच में, एक दोनों के बीच में। और टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा कॉट
60 का मान हो जाएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, समझ में आपको आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या लिए। वन क्वेश्चन नंबर वन में पहला, वन का पहला दे दिया साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और दे दिया कॉस 60 डिग्री। तो आपको अब क्या करना है, साइन 60। अब आप बताइए, आपको याद नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में ही आप कैसे बनाएंगे। यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में कैसे बनाएंगे। तो आपको पहले ये याद करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये याद रहेगा तो अभी जाकर प्रश्न वाली 8.2 आपका बनेगा, 8.2 आपका बनेगा। तो देखते हैं, बनाते हैं हम साइन 60। साइन 60 अब लिखे हैं इसमें, देख लेते हैं साइन 60। परीक्षा में तो ऐसा लिख के थोड़ा बताया जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। परीक्षा में तो ऐसा थोड़ा बताया जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको परीक्षा में आसानी से बनाएंगे। तो हो गया, साइन 60 के मान होता है रूट 3/2, यहाँ पर इंटू है तो गुणा होगा, गुणा। और कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होगा, रूट 3/2 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान रूट बाई 3 होगा, रूट 3/2 होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। और साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू है तो गुणा हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। इसको गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो खाली 2 लिखा जाएगा। रूट में गुणा होगा तो हाँ, लेकिन यहाँ पर सेम संख्या रहेगा तभी हटेगा, सेम संख्या रहेगा तभी। यदि यहाँ पर 3 दे दिया और गुणा यहाँ पर 2 दे दिया तो इसको आप नहीं हटा सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6, रूट 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 3 रहता है तो खाली 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 रहता है तो 3 सेम संख्या रूट के अंदर आएगा तो उसको बाहर आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3। और प्लस है तो प्लस, सॉरी 3/4 प्लस है तो प्लस, और फिर एक एक से गुणा होगा तो 1 होगा, और 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, तो 1 और 4। तो इसको आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 4 से 4 एक बार में जाएगा तो आपका यहाँ पर 3 है तो 3 उतरेगा, 4 से 4 एक बार में जाएगा तो 1, तो आपका आ जाएगा 4/4। कट जाएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 1, आपका आ गया आंसर 1। तो आप बताइए, याद रहा तो मैंने आपको आसानी से बता दिए, आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बनाएंगे। यदि ये याद नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में आसानी से इसको छोड़ देंगे, याद ही नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ से। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा तो अभी प्रश्न वाली 8.2 आपका बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए 2 दे दिया, 2 टेन दे दिया 45 डिग्री, तो 2 आपको हटाना नहीं है, 2 आपको रखना है, 2 हो जाएगा 45 के, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। हाँ, लेकिन स्क्वायर खाली इसके ही के अंदर है, स्क्वायर दे देगा तो इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसमें खाली इतने का स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर नहीं दिया। यदि पूरा के दे देता तो ये भी आ जाता, लेकिन दिया नहीं है। तो देखते हैं, दे दिया है 2 हो गया, 2/2 गुणा टेन 45 का मान होता है 1, देखिए टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे। और कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे देंगे। और माइनस 60 डिग्री का मान होता है, माइनस 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू। देखिए कॉस
साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू, ठीक हो गया। तो देखिए हो जाएगा, आप परीक्षा में जितने लंबा बनाएंगे, आप परीक्षा में जितने लंबा बनाएंगे उतना ही आपका अच्छा नंबर मिलेगा। परीक्षा में शॉर्ट बनाएंगे, इसको तो हम तुरंत ही बना देते हैं, बाकी आपको शॉर्ट बताने से कोई फायदा हमको नहीं होगा। परीक्षा में जितने लंबे बनाएंगे उतनी आपको अच्छा रहेगा। तो हो गया टू। आप सोचिए परीक्षा में कितना लंबा करें, जितना लंबा होगा, हाँ लेकिन सोल्यूशन सही होना चाहिए तभी जाकर परीक्षा में नंबर दिया जाता है। तो हो जाएगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितनों भी रहे, 10 रहे, 1000 रहे, कितनों होता वो नहीं होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर, रूट का स्क्वायर आपको बोले थे, रूट का स्क्वायर रहेगा तो खाली दो बार ही निकलेगा। यदि रूट थ्री से गुणा होगा तभी खाली थ्री निकलेगा, कहेंगे सेम संख्या यहाँ पे है निकलेगा। तो वही बात है, इसको दो बार लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर होता है। तो ये हो गया, तो इसको आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। ये मत समझिए कि खाली रूट थ्री का नहीं, रूट थ्री का भी स्क्वायर है और टू का भी स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस देंगे। और इसका फिर वही बात है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो हो जाएगा 2 और 1 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, माइनस 4, 3/4। तो हो जाएगा, अब एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, एलसीएम 4 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो आप एक डाल सकते हैं या नहीं रहेगा तभी, तो आप बताइए यहाँ कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में, तो 4 दुना के आपका 8 हो जाएगा, 4 दुना के 8 हो जाएगा, 4 प्लस है तो प्लस देंगे, और 4 एक बार में जाएगा तो उतरा 3 आपका, माइनस है तो माइनस देंगे, और 4 से 4 कटा तो आपका 3 है तो 3 दे देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8/4। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए -3 और -3 से, ये छोड़िए ना आपको समझा देते हैं। देखिए -3 ये रहता है, यदि या यहाँ पर ए रहे या ए रहे, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता है, तो माइनस प्लस कट जाता है। इतना आपका ध्यान होना चाहिए या नहीं तो बताइए। घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 वैसे भी लिख सकते हैं या उसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8, इसको आप घटाएंगे तो हो जाएगा 0/4, तो इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/4, तो इसको कटाएंगे आप तो हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये दे दिया आपका सवाल, तब देखते हैं। देखिए cos 45 1/√2 और sec 30 के मान रूट, सॉरी टू रूट 2/√3 और प्लस है तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, cosec 30 डिग्री का मान होता है आपका 2। तो इसको आप बनाएंगे तो हो जाएगा 1/√2 और इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आप लेंगे तो हो जाएगा
हो जाएगा 1/√2, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 + √3/√2√3 √3। ये हो जाएगा, तो आपको लॉग नहीं रहेगा तो इसको आप ऊपर बना देते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं, तो हो गया। इतना आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको एजा बनाते हैं ऊपर। तो देखिए ए ऐसे हो जाएगा 3√2 ये 3 चला जाएगा ऊपर 3, और ये हो जाएगा आपका +√3, इतना आ जाएगा आपका। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा √3 गुणा होगा तो √3, और ये हो जाएगा आपका √3 × 2 1+√3, ये हो गया। बहुत लंबा जाएगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा हमको। हो गया, दे दिया √3 दे दिया, और ये आ जाएगा तो गुणा होगा तो ये हो जाएगा √2√2 × 1, इसके अंदर है √3+1, इसे गुणा किया जाएगा क्रॉस, तो हो जाएगा 3+1, माइनस से माइनस, यहाँ पर प्लस रहता है तो गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया। तो हो जाएगा आपका 3√3, इतना इतना से गुणा होगा, ऐसे ऐसे गुणा होगा तो इतना लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा, और बटा में जाएगा आपका 2√2, और इतना से गुणा होगा तो हो जाएगा 3 − 1, 3 से गुणा होगा तो आपको बोले थे √3 या √3 से गुणा होगा तो खाली 3 बाहर निकलेगा, 1 से गुणा होगा तो 1 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है, तो हो गया। ये जो बताते हैं आपको कितना हो जाएगा आपका, तो √3 √3 √3 − 1, अब इसको आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, बोले थे ना बहुत लंबा जाएगा, इसको आप बना लेगा, ये परीक्षा में आपको देता रहे, इसको आप आसानी से बना लेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन है। तो हो जाएगा आपका √3
रूट थ्री वन और गुणा होगा तो हो जाएगा आपका फोर रूट टू, रूट टू। तो अब रूट टू से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, रूट टू से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इतना हो जाएगा तो हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट टू रूट थ्री माइनस वन, कितना हो जाएगा और बटा में आपका इतना हो जाएगा रूट रूट से गुणा होगा तो हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा थ्री थ्री रूट टू और गुणा होगा तो छत्री हो गया माइनस रूट थ्री और ये हो गया आपका आंसर, इतना आ गया आपका आंसर। आप ही सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, पसीना में इतना भीगते हैं, अगर मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ परेशानी है, आपको कौन चैप्टर चाहिए वो हम आपको पहले बता देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।